हमारे अध्यक्ष श्री रामदास आठवले जी जिसको एक बार साथ देते हैं तो वो पार्टी का हमेशा विजयी होता है। कांग्रेस को जब से उन्होंने छोड़ा है तब से तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस कभी सत्ता में आई है, और जब तक ये कांग्रेस को छोड़े रहेंगे सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी को भी छोड़ने वाले नहीं है और न मोदी जी इनको छोड़ने वाले हैं। आरपीआई ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इलेक्शन में चुनाव लड़ा, और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत मेहनत किया उससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि साउथ में भी काफी फायदा हुआ, और आगे भी चल के ये फायदा होते रहेगा। और तीसरी बार उनका मंत्री बनना तो तय ही था, और अगर 400 पार हो जाता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कैबिनेट मंत्री भी होते। जो हमारे आठवले साहब का लोग अभिनंदन करते हैं उसके लिए तो वो पात्र है ही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की बातों को विचारों को एक राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय पटल पे जन जन तक जाके पहुंचाया है, और वो मंत्री बने हैं वो एक खुशी का विषय है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी का विषय हमारे लोगों के में है कि हम लोगों को एक ऐसा नेता मिलता है जो 12 बजे रात तक भी अपने कार्यालय में लोगों के लिए खड़ा रहता है, गरीबों के लिए खड़ा रहता है और हमेशा लोगों के लिए काम करता है। तो इसलिए जनमानस में जो खुशी की लहर है, खासकर जो आरपीआई के कार्यकर्ता जो बहुत खुश हैं, क्योंकि एक ये ऐसी पार्टी है जो नेताओं के भरोसे नहीं चलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी हाल ही में कहा था कि हमारे पार्टी का सबसे बड़ी ताकत हमारा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, और कार्यकर्ताओं का आज एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठा है तो ये हमारे पार्टी के लिए तो बहुत खुशी की बात है। आरपीआई में एक तो सबसे बड़ी गलत धारणा है कि सिर्फ वो किसी एक विशेष वर्ग की पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि आठवले साहब से मैं इसलिए प्रभावित हुआ था क्योंकि उन्होंने लोकसभा में अपने स्पीच में कहा था कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में कि अगर गरीबी किसी जात को देख के नहीं आती है, और अगर गरीबी किसी जात को देख के नहीं आती है तो हर जात के लोग में जो गरीब है उनका भी एक अपना रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए, नहीं तो समाज में आपस में झगड़ा लड़ाई बढ़ने के भी संदेह हैं। तो ऐसा नेता जिसको लोग दलित में दलित का नेता ही समझते थे और जो सोचते थे कि इनकी राजनीति सिर्फ आरक्षण प्रेरित है, और वो व्यक्ति अगर अन्य समाज के लिए भी लड़ता है तो ऐसे नेता को पूरे देश में माना जाता है। और ये बात विशेष है कि मैं नहीं मानता कि मेरे ही आने से इस पार्टी में काफी लोग जुड़े, बल्कि बाकी लोग भी जुड़े। हाँ, ये संदेश मैंने हर लोगों को दिया कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो आठवले जी के नेतृत्व में है सिर्फ एक समाज की नहीं है, ये गरीबों की है, ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हक के लिए लड़ने की पार्टी है। तो हर समाज के लोग इस पार्टी से जुड़े हुए। किसी कमेटी का साधारण मेंबर बनने में जैसे अभी रेलवे कमेटी में डालती है उसका क्या मतलब है? मैं नहीं रहा तो आप अचक जाएंगे, लेकिन खास बात यह है कि पहले पार्टी को ही कुछ नहीं मिल रहा तो मैं कहां लेने पहुंच जाऊं। अभी तक तो आठवले साहब ने कुछ विशेष रूप से कहा नहीं है कि कितने मांगेंगे, क्योंकि ये गठबंधन का ही चुनाव होगा, गठबंधन में काफी मजबूरियां होती हैं कि कितना दिया जाए कितना किसको नहीं दिया जाए, लेकिन जरूर हम एक अच्छा साइजेबल सीट मांगेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में आरपीआई की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, खासकर मुंबई में तो इस विषय को टाला नहीं जा सकता, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर आरपीआई के बगैर चुनाव लड़के जीतना असंभव सा है। तो हम अच्छा साइजेबल अपना हक यहां पर मांगेंगे, और हमारे टिकट मांगने के पीछे एक ही मकसद होता है कि जो टिकट हम मांगे जो सीट हम मांगे वो जीत के आए। हम खाली चुनाव में हम उम्मीदवार खड़ा करने के लिए चुनाव टिकट नहीं मांगते।